पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा आज, हल्द्वानी में करोड़ों रुपए की परियोजना की देंगे सौगात। 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन। शिलान्यास पिथौरागढ़ में 2 हाइडल प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास, करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। तो सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और अब पीएम मोदी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एसपीजी समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन जुटा है और हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम धामी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है और सीएम के साथ मदन कौशिक मौजूद रहे। तो पीएम मोदी का हल्द्वानी का दौरा है आज, और इस दौरान कई सौगातें उत्तराखंड को प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएंगी और 625 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाएं उत्तराखंड को मिलने वाली हैं। तो हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री और उत्तराखंड को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 17,500 करोड़ की तमाम योजनाएँ उत्तराखंड को मिलने वाली हैं और हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो मिशन उत्तराखंड जो निश्चित रूप से आने वाले समय में, जो जैसे कि हमारे यहाँ पर एम्स की सैटेलाइट सेंटर का भी कल शिलान्यास होने वाला है। लखवाड़ योजना जो हमारी 57 करोड़ की योजना है, उस योजना का भी शिलान्यास होने वाला है। बहुत सारी सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारा पिथौरागढ़ का, उसका भी शिलान्यास होने वाला है। एम्स का हो रहा है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी योजनाएँ हैं जो आने वाले समय में हमारे यहाँ विकास का एक मील का पत्थर ही साबित होने वाली है। पीएम साहब ठीक 1 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे और लगभग 2:30 बजे तक उनका कार्यक्रम रहेगा। कल दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम है, रैली है। कार्यक्रम में लोगों में अपार उत्साह है अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है कि प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा।